आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इनमें से एक चतुर्भुज, जिसे हम समलंब के नाम से जानते हैं, के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। कृतिका की बड़ी बहन ने कृतिका को इस मेज के लिए एक मेज पोश बनाने के लिए कहा है। कृतिका नहीं जानती कि उसे इस कार्य के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, परंतु कुछ समय के बाद वह इसका पता लगा लेती है। आइए देखते हैं कृतिका ने क्या किया। सबसे पहले कृतिका ने देखा कि मेज किस आकार की है। क्या आप बता सकते हैं? शाबाश, यह एक समलंब है। वह जानती है कि आवश्यक कपड़े की माप ज्ञात करने के लिए उसे मेज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, जिसके लिए कृतिका मेज के चारों कोनों को ए, बी, सी और डी से कुछ इस तरह नामांकित कर देती है। अब कृतिका समांतर भुजाओं के युग्म में छोटी भुजा से बड़ी भुजा पर इस तरह लंब खींचती है और सभी मापों को चिन्हित कर देती है। वह देखती है कि लंब खींचने पर उसे एक आयत ई एफ सी डी और दो समकोण त्रिभुज डी ई ए व सी एफ बी मिलते हैं। आयत और त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालना कृतिका को भली भांति आता है, जिन्हें जोड़कर वह मेज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेती है और उतना ही कपड़ा मेजपोश बनाने के लिए बाजार से ले आती है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि क्या हर बार किसी समलंब आकार की वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसी क्रियाकलाप को दोहराना होगा? बिल्कुल नहीं। आइए कृतिका के इस क्रियाकलाप की सहायता से किसी समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र का पता लगाते हैं। इसके लिए कृतिका द्वारा की गणना को एक बार फिर से देखते हैं। अब हम इस गणना को इस प्रकार लिख लेते हैं। चित्र से हम देख सकते हैं कि डी ई व सी एफ आयत ई एफ सी डी की सम्मुख भुजाएं हैं, जिनकी माप बराबर होती है, इसलिए हम सी एफ को डी ई लिख लेते हैं। चूंकि डी ई उभयनिष्ठ है, इसलिए इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब समीकरण को आगे हल करने के लिए समीकरण के इस भाग को हम दो से गुणा व भाग करते हैं, जिसकी मदद से इस समीकरण को इस तरह भी लिखा जा सकता है। और फिर इस समीकरण को आगे हल कर सकते हैं, जिससे हमें यह परिणाम मिलता है, जिसमें DE इस समलंब की ऊंचाई तथा AB व CD समांतर भुजाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समलंब का क्षेत्रफल उसकी ऊंचाई तथा समांतर भुजाओं के योगफल के गुणनफल का आधा होता है। इस तरह आज इस वीडियो में हमने किसी समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।